அதுல அதுல क्या घर में ये सरकार समझ में नहीं आता है। 48 घंटे हो गए इसने अभी तक फायर रजिस्टर्ड नहीं किया। वास्तव में शिवसेना के लोगों ने सरकार में पॉलिटिकल दहशतवाद फैलाने के लिए वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने वायरल किया कि बाकी लोगों में दहशत फैल गई। हर पूरी तरह बहाना दे रही है हीरामणि आएगा और कांग्रेस ट्रेन देंगे और फिर कौन से सेक्शन लगाने हम सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट डिमांड है कि जो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवसेना की दादागिरी से लोगों में दहशत फैले उसके लिए जानबूझकर FIR रजिस्टर नहीं की है, नहीं कर। अभी आप जाकर आए, क्या बात हुई और क्या अभी भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? राहुल तिवारी क्या नहीं आएगा? भैया तिवारी का आने का सवाल ही कहाँ है? इतना बड़ा टीवी मीडिया और सब ने ये पॉलिटिकल दहशतवाद दिखाया है। वह 5 साल में शिवसेना की पॉलिटिकल दहशतवाद खत्म हो चुका था। मैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, इनके मंत्रिमंडल में कांग्रेस यानी कांग्रेस इस प्रकार के पॉलिटिकल दहशतवाद को समर्थन कर रही है क्या? जो पृथ्वीराज चव्हाण एक शब्द भी नहीं बोले अभी तक। पुलिस की ड्यूटी थी, ये वीडियो वायरल हो चुका है, उसमें वीडियो में कौन कौन है उनको पता है। राहुल तिवारी हिरानंद तिवारी का एक स्टेटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये खाली शिवसेना टाइप पास कर। अजून पर्यंत पोलीस टाइमी FIR रजिस्टर्ड केली नाही। शिवसेनेचा दबावाखाली मुंबई पोलीस टाइमपास करत आहे। मला काँग्रेसचे नेते आणि राहुल गांधींना विचारायचं आहे की राजकीय दहशतवाद भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचा राज्य होतं त्यावेळी संपला होता, आता काँग्रेस शिवसेनेचा राज्यात पुन्हा पॉलिटिकल दहशतवाद सुरू झालेला आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निगराणीमध्ये हे दहशतवाद जात आहे। हा जो व्हिडिओ व्हायरल कोणी केला? शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला। व्हिडिओमध्ये दहशतवाद आहे की नाही? मग पोलिसांना कुणाच्या स्टेटमेंटची गरज काय आहे? का त्या शिवसेनेच्या नेत्यांना अटक करत नाही आहेत? हा प्रश्न आहे। ठीक आहे, थँक्यू।